नमस्कार जोहार आदाब, क्लीन न्यूज संथाल परगना में आप सभी का स्वागत है। पावर प्लांट का निरीक्षण करने पत्नी संग गोड्डा पहुंचे गौतम अडानी, ग्रामीणों की भावनाओं को सहलाया। झारखंड के गोड्डा सदर प्रखंड में मोतिया स्थित अडानी पावर प्लांट का निरीक्षण करने रविवार को अहमदाबाद से कंपनी के सीईओ गौतम अडानी एवं उनकी पत्नी प्रीति अडानी रविवार को गोड्डा पहुंचे। अडानी दंपति ने प्लांट के निरीक्षण के पूर्व सिकटिया में संचालित मेगा वस्त्र उत्पादन केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान DDC अंजलि यादव भी मौजूद रही। बाद में अडानी दंपति ने मोतिया गाँव का भी दौरा किया और ग्रामीणों से बातचीत की। रात में घर से निकली युवती को कमरे में बंद कर सामूहिक दुष्कर्म, दो लोग गिरफ्तार। झारखंड के गोड्डा जिले के सदर प्रखंड के मोतिया ओपी क्षेत्र के एक युवती के साथ दो युवकों ने शनिवार की रात दुष्कर्म किया। पीड़िता ने रविवार को मोतिया ओपी पहुंचकर पुलिस को सारी जानकारी देकर इंसाफ मांगा। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गंगटा फसिया गाँव के 25 वर्षीय प्रीतम कुमार और सोलंकी कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। नगर थाना की महिला पुलिस अधिकारी दीपिका तिग्गा भी मोतिया ओपी पहुंची। युवती ने पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी। बयान में युवती ने उनको बताया कि वह घर में मां और बहन के साथ सो रही थी। देर रात नींद खुली, वह घर से बाहर बगान की ओर सोच गई। तभी वहां गंगटा फसिया गांव के शिव मंडल का बेटा प्रीतम कुमार और उसका ममेरा भाई सोलंकी कुमार आ गए। दोनों ने पास के एक कमरे में ले जाकर दुष्कर्म किया। इसके बाद दोनों भाग गए। उसके बाद वह घर आई और स्वजनों को सारी बात बताई। घरवालों ने रविवार की सुबह पुलिस को सूचना दी। खबर दुमका से, शिकारी पाड़ा थाना के ASI को संदिग्ध परिस्थिति में मौत। दुमका जिले के शिकारीपाड़ा थाना में पदस्थापित ASI इंद्रजीत सिंह की आकस्मिक मौत हो गई। ASI इंद्रजीत सिंह शिकारीपाड़ा थाने में लगभग 6 माह पूर्व से पदस्थापित थे। विश्वस्त सूत्रों के अनुसार ASI इंद्रजीत ने 2-3 दिन पूर्व स्वास्थ्य खराब होने पर दवा ली थी। शनिवार रात को अपने क्वार्टर में सोए हुए थे एवं सुबह सुबह वह अपने क्वार्टर से नित्यक्रम के लिए बाहर भी निकलते थे और उसके बाद वह पुनः अपने क्वार्टर में चले गए। बहुत देर बाद जब वह बाहर नहीं आए तो सहयोगी ने जाकर देखा तो उन्हें अपने क्वार्टर में बेड पर मृत पाया। दुमका पुलिस लाइन मैदान सजधज कर तैयार हो गया। गणतंत्र दिवस समारोह के लिए दुमका का पुलिस लाइन मैदान सजधज कर तैयार हो गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 26 जनवरी को यानी कल राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। सोमवार को मुख्यमंत्री दुमका पहुंच रहे हैं। इधर पुलिस लाइन मैदान में समारोह की तैयारी में किसी तरह की कोई कमी नहीं रह जाए, इसके मद्देनजर रविवार को DIG सुदर्शन प्रसाद मंडल, उपायुक्त राजेश्वर बी ने तैयार का जायजा लिया और कई निर्देश दिए। इस दौरान DIG ने परेड पूर्वाभ्यास का भी निरीक्षण किया। खबर जामताड़ा से, सामुदायिक पुस्तकालयों से बढ़ेगा साक्षरता दर। रविवार को उपायुक्त फैज अक अहमद मुमताज व पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार सिन्हा ने संयुक्त रूप से जामताड़ा प्रखंड की जियाजोरी व पियाल 16 पंचायत के केलाही गांव में सामुदायिक पुस्तकालय का शुभारंभ किया। उपायुक्त ने कहा कि गांव समुदाय विशेषकर छात्राओं के लिए सीखने एवं पढ़ने के लिए अच्छी जगह प्रदान करना पुस्तकालय खोलने का उद्देश्य है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर को सामुदायिक पुस्तकालयों के नेटवर्क से विकसित करने से साक्षरता दर भी बढ़ेगा। जामताड़ा में पोते ने की वृद्ध दादी की पीट पीट कर हत्या। झारखंड में जामताड़ा जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र में शराबी पोते ने वृद्ध दादी की पीट पीट कर हत्या कर दी। पुलिस सूत्रों ने रविवार को यह बताया कि जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र में मदनाडी गांव निवासी मनोज राय शराब के नशे में धुत रहता था। इसे लेकर घर में कलह होता रहता था। इसी क्रम में शनिवार को पुनः मनोज शराब के नशे में घर पहुंचा था। दादी ने जब उसे शराब पीने से मना किया तो नशे में धुत पोते 70 वर्षीय दादी की जमकर पिटाई की, जिससे उसकी मौत हो गई। खबर पाकुड़ से, कोलकाता ने पाकुड़ को किया पराजित। जिला वॉलीबॉल संघ की ओर से रेलवे मैदान में शनिवार की देर रात डे नाइट अंतर्राज्यीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता के फाइनल में कोलकाता की टीम ने पाकुड़ की टीम को 2-1 से हरा दिया। पहले राउंड में कोलकाता ने पाकुड़ को 20-15 से हराया। दूसरे राउंड में पाकुड़ ने कोलकाता को 21-19 हराकर खेल को रोमांचक मुकाबला पर खड़ा कर दिया। तीसरे राउंड में कोलकाता ने पाकुड़ को 20-18 से पराजित कर दिया। फाइनल मुकाबला 3 सेटों में खेला गया। केंद्र की नीति निवेश नहीं विनिवेश है। ईस्टर्न रेलवे मेंस कांग्रेस की त्रिवर्षीय साधारण सभा में
संगठन के जोनल सभापति विनोद शर्मा ने कहा कि श्रमिक विरोधी केंद्र सरकार भारतीय रेल सहित सभी सार्वजनिक संस्थानों का निजीकरण कर रही है। सरकार के इस रवैये से देश के मजदूर वर्ग नाखुश है। केंद्र की नीति यह नहीं है कि देश में निवेश हो, बल्कि सरकार सरकारी संपत्ति का विनिवेश चाहती है। वो पाकुड़ रेलवे स्टेशन परिसर में रविवार को सभा को संबोधित कर रहे थे। पर देवघर से, देवघर में जसपुर की खिलाड़ियों ने जीते 3 मेडल। झारखंड के देवघर में आयोजित 3 दिवसीय 11वीं झारखंड स्टेट राइफल शूटिंग चैंपियनशिप में जसपुर की खिलाड़ी ने 2 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम में कामयाबी रही। प्रतियोगिता में 450 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। जसपुर की खिलाड़ी ने अपने घर में ही अभ्यास कर मेडल जीता है। जिले की बेटी ने एक बार फिर से कमाल दिखाते हुए जिले का नाम बढ़ा है। शहर के करबला रोड निवासी गोपाल कुलुकेरिया की पुत्री निश्चल कुलुकेरिया ने शूटिंग प्रतियोगिता में 1-2 नहीं बल्कि 3 मेडल जीतकर जिले का नाम बढ़ाया है। पर साहेबगंज से, बरहेट में 100 मेगावाट बिजली ग्रिड का सीएम ने किया शिलान्यास। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का विधानसभा क्षेत्र बरहेट अब अनुमंडल बनेगा। सीएम ने रविवार को यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि हम इस दिशा में कोई जल्दीबाजी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन बरहेट को अनुमंडल बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री 100 मेगावाट के बिजली ग्रिड का शिलान्यास करके बरहेट आए थे। यह 24 महीने में तैयार हो जाएगा। शिलान्यास के बाद लोगों को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा, इस ग्रिड के बन जाने से साहेबगंज में बिजली आपूर्ति में कोई बाधा नहीं आएगी, साथ ही बरहेट प्रखंड के किसी भी गांव में बिजली की कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं हर उस घर को रोशन करूंगा जहां सदियों से अंधेरा है। उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण 1 साल से राज्य में विकास ठप था, अब धीरे धीरे विकास राज्य रफ्तार पकड़ रही है। राज्य सरकार ने 1 साल में 15 लाख लोगों को राशन कार्ड मॉडल स्कूल बनाने का फैसला लिया है। मंत्री हेमंत सोरेन ने कहे कि लक्ष्य से पहले ही पूरा हो बरहेट किताजोर संचरण लाइन, इसलिए सीएम सचिवालय लेगा हर दिन की जानकारी। संथाल परगना क्षेत्र में कई योजनाओं की शुरुआत को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रविवार को अपने विधानसभा क्षेत्र बरहेट पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बरहेट हाई स्कूल मैदान से कई योजनाओं का ऑनलाइन शिलान्यास और उद्घाटन किया। इसमें सबसे प्रमुख योजनाओं में 132/33 के बी ग्रिड सब स्टेशन बरहेट किताजोर तथा 132 के बी पाकुड़ राजमहल संचरण लाइन का शिलान्यास शामिल है। शिलान्यास करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि इन योजनाओं को अगले 18 से 24 माह के अंदर तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। हेमंत सोरेन ने कहा कि यह केवल एक शिलान्यास कार्यक्रम नहीं है, बल्कि इस सब स्टेशन निर्माण की पूरी जानकारी हर दिन मुख्यमंत्री सचिवालय द्वारा ली जाएगी। यह कोशिश रहेगी कि लक्ष्य से पहले ही इस सब स्टेशन को बनाकर क्षेत्र के लोगों को बिजली उपलब्ध कराया जा सके। झारखंड के हर जिले में खुलेगा एक मॉडल स्कूल। अपने विधानसभा क्षेत्र से मुख्यमंत्री ने किया शिक्षा व्यवस्था में सुधार की घोषणा। झारखंड के हर जिले में एक मॉडल स्कूल खुलेगा, जल्द ही बिजली संकट भी दूर होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रविवार को यह बातें कही। वह अपने विधानसभा क्षेत्र बरहेट के अकीताजोर में बनने वाले 100 मेगावाट क्षमता के पावर ग्रिड का बरहेट हाई स्कूल मैदान से ऑनलाइन शिलान्यास करने के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि किताजोर में 100 मेगावाट का पावर ग्रिड बनने के बाद बिजली के संकट से निजात मिल जाएगी और 5500 किलोमीटर बिजली की लाइन बिछाई जाएगी। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।